सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके, सब नहा धो के फ्रेश हो गए या तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले थोड़ा घूमने के लिए। आज कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी बस रेडी हुए हैं। बोल रहा है सब कोई मेरा ही लेट हो गया है, कारण यह है कि अंस को लेके थे और वीडियोस वगैरह कुछ बना रहे थे इसीलिए अपलोड कर रहे थे। सो और सब रेडी हो चुके हैं, मेरा ही उधर पगुनिया जी लोग भी रेडी हो गए हैं और एक जो आए हैं उनका क्या नाम था, पूजा विशाल जी, हाँ पूजा जी विशाल जी, तो वो लोग भी रेडी हो गए हैं। उनसे तो हमारा यही आके पहली बार मुलाकात हुई थी, पहले उनसे ऐसे मुलाकात नहीं हुई। तो आए हम लोग सभी कल एंजॉय किए, गए थे ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज से होके आए अभी और फिर हम लोग अभी जाने वाले, नहीं क्रीम क्या लगा, ठीक है तभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। सब कोई गोटा रेडी हो गया है, देवी रेडी हो गया है, हो गया ना। चलो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं। और अंश बेटा तो हीरो जैसा लग रहा है कि नायक नहीं खलनायक। हेलो कर दो सबको, अपना मुंह से चटा के करे कैसे करता है तो मुंह से बचा के, नहीं बस हो गया ज्यादा नहीं जैसे इसके हेलो करने बोलेगा फोन पकड़ के घुसा देगा मुंह में। हाँ कहाँ जाना, कहाँ बेटा कहाँ जाएगा आज, कहाँ जाएगा, चलो उठिए उठिए, खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ, ए वो खड़ा हो जा रहे, खड़े हो जा रहे खड़े हो जा रहे। तो साड़ी में बेल्ट लगाएगी तो हमरा दे रहा है, थैंक यू। लो इसको आंसर पकड़ लो थोड़ा लाऊंगा मैं, तब तक बेल्ट लगा के रेडी हो लेता हूँ। पेनवा ढीला हो गया, पिछले बेल्ट लिए तो प्रेम के पास ही है। अरे कुछ पे है जो तू बेल्ट में पहली बार लगा, सबसे बड़ा धन मिल गया कुरकुर। चलिए सब आप लोग रेडी हो गए, बस पैसा मुंह में नहीं घुसाना बाबू, रेडी हो गए चलो बेटा जाएंगे। अपने पलटन लोग को देख रहा है, मैं भी ऐसे ही हूँ लेकिन चल नहीं पा रहा हूँ, वही बेचारा अफसोस कर रहा है। कितना लेट कर रहे थे आपसे आप लोग, तब से हम लोग आपसे रेडी हैं, पहन के तब से हम लोग रेडी हैं। तो चल 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 रे निकलो जल्दी, और चाबी चाबी निकाल लो, एक खिड़की खिड़की खुला रहेगा वैसे। चलो तो वाला लास्ट वाला हमारा रूम है, एक इधर एक रूम है और एक उनका रूम है। चलिए सभी लोग हम लोग रेडी, गाड़ी लेते हैं और घर से निकलते हैं। चाबी सब ध्यान से रखना। रेडी हो गए सब, रेडी हो गए, हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब निकलेंगे। और इधर से तुम्हारा कुरकुरे खत्म हो कि नहीं रहा, पहले सब कुछ सूट पहना हुआ था, जल्दी साड़ी पहनी तो सब साड़ी लुक पे आ गए। तो चलो आज साड़ी लुक पे सब घूमेंगे, अब जो भी परेशानी होगी देखा जाएगा। सभी ग्राउंड में चल रहे हैं, इधर से हम लोग नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं नहीं तुम आओ, हम लोग सीढ़ी से आ रहे हैं। चलो बेटा तो हम लोग निकल जाते हैं, खोज रहे थे यहाँ पर आ गया है, ऊपर में खोज रहे थे जो तुम लोग ऊपर है। लोग आ रहे हैं ये ब्रह्म कुंड के सामने से गुजर रहे, लेकिन ये लोग कोई रोक ही नहीं रहा, यहाँ पर घुसेंगे अंदर करते, यहाँ से अंदर जाने का है। तो अभी इधर जा रहे उधर चल जाते हैं, लेकिन मैं एक बार आऊँगा तो अभी नहीं तो कल सुबह भोरे उठ के मैं अकेले चला आऊँगा, गाड़ी उठाऊंगा चलाऊंगा। हाँ नहा धो के अपने जाएंगे ना बेटा, तुमको भी नहाना बेटा, अंश को भी ले आएंगे क्योंकि अंश भी नहाया नहीं है उस टाइम, तो नहीं एक साल पहले हम लोग आज गाड़ी शायद बड़ा करे खाने के लिए। देखो टमटम आ रहा है बेटा, देखो देखो टमटम, घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी कहते ना घोड़ा गाड़ी। अपना इसी को बेचारा परेशान रहता है, इसी को लास्ट में एक दिन देखना उखाड़ के तोड़ देगा, फेंक देगा उखाड़ के। तब से पापा भी एकदम पूरा उखाड़ते हैं, चाचू भी ये वाला हाथंग करते रहते हैं, मैं ये वाला सबसे ज्यादा फूल हाथ नहीं जा रहा तो भी उखाड़ता है। लो अभी खाने के लिए हम लोग आए हैं, इसको समझ भी नहीं आया ले क्या, कल थोड़ा तबीयत बिगड़ी थी तब से बोला कि नहीं हम खाएंगे नहीं इधर का, ले कुछ नॉर्मल तो ले लो, वैसे भूखे मत रहो दिक्कत होगा। खाना आ चुका है और आज नॉर्मली मेरा पेट ठीक से हो रहा है, ले
अच्छा ना तो इसे मत बोलो कच्चा रहेगा ना। अरे इसमें पावर नहीं दिया, इधर सब्जी वब्जी आ गया। अरे आप लोग खाना हम लोग खा लेते हैं और फिर इधर से जाएंगे घूमने के लिए। फिलहाल इधर से जा रहे शांति स्तूप, शांति स्तूप इधर है, वो तो गाड़ी उधर घुमा लिया। वो जो ऊपर में है वही वाला था, छत वाला उसी में लगा हुआ। उधर चल गया आगे तो इसमें लिखा मेड बाय जापान, शांति स्तूप भी बनाया। अरे किसी ने लिखा है वो वाला, मैंने बोला जापान से यहाँ पे आके मंदिर बनवाया है। हाँ वही होगा। हम लोग पहुँच गए शांति स्तूप के लिए, उस जगह पे खड़ा करके सब लोग इधर से निकलेंगे उधर। शांति स्तूपा नाम है इसका, सभी को स्तूप करके बोलते हैं। और यही इंग्लिश से लिखोगे तो स्तूपा, हिंदी से स्तूप, जैसे धर्म को लिखते धर्मा, कृष्ण को लिखते कृष्णा, राम को लिखते रामा, उसी तरह ना स्तूप से स्तूपा लिखा जाता है। बाकी सभी को यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग जाएंगे टॉप में, वो भी रोपवे से घूम के जा रहे बेटा। बंद है, बंद चलो, बंद हो गया 12:30 बजे से 2 बजे तक अभी लंच टाइम है। चलो लो लो अंजलि, अंजलि पकड़ लो। लोग जो आए हैं साउथ से आए घूमने के लिए, तीन लोग अभी बंद है, तीन लोग क्या करेगा, सब लोग हम लोग घूम के आते हैं। चलो बेटा अभी चश्मा लगा के घूम रहा है, चश्मा खोल देगा ये ठीक है गुड। अरे हीरो लग रहा है तू रे, हीरो लग रहा है मेरे बेटा रे। तो हम लोग इधर से निकल गए, अभी जा रहे हैं दूसरे जगह घूमने के लिए क्योंकि चश्मा इसका नहीं रहेगा। अभी दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ पर 2 बजे खुलेगा तो अभी क्या करेंगे। तो चलो इधर से चलते हैं, अभी आगे इधर जाएगा पता नहीं, बस निकल गए हम लोग। तब से अंजलि का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो शायद इसी कारण तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पानी पूरा नहीं मिला था ना। अरे क्या बोल रहे थे, वजह से निकलेंगे फिर खाएंगे, अभी दवाई था ना ये। अभी सामने ब्रह्मकुंड के सामने एक वेन्यू बन करके है, तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं और अंदर घुस कर भी बाल झोड़ का दर्शन हुआ है। अरे बोध बोध टेम्पल इधर है, देखो बोध टेम्पल इधर देखे। अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ, राजगीर पे एक टेम्पल है और एक पार्क भी है, तो वहाँ पर हम लोग बस बैठे हुए थे। यहाँ से कुछ लोग आए जो कि है वियतनाम के पूरा देख रहे हैं, इतने लोग आए हुए हैं सब बौद्ध। ये स्थल है हमारा, इधर इंडिया जाना जाता है, तो उसी के घूमने के लिए आए, टूरिस्ट के लिए आए हैं। और यहाँ पर टेंपल है बौद्ध का, सारे लोग वहीं से आए हैं। तो कहाँ गए, फॉरेन कंट्री गई है, चलो लेके जाएंगे। चलो तो हम लोग पार्क में आए थे, बोले चलो एक मेमोरी के लिए यहाँ पर एक डांस भी वीडियो बना लेते थे वेन्यू वन में, तो वही हमने एक डांस वीडियो भी बनाया। आप लोग ये शॉर्ट वीडियो डांस वाला देखे हो तो बताइएगा, ये डाला है हमने वीडियो पे, इंस्टाग्राम पे भी डाला है, चैनल पे भी है। अरे जूस वूस खोल लेना चप्पल, तुम कूदो मत तभी गिरेगी, तो बस खोल लो चप्पल, खोल रहा ना इस पर आ जा, ले 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 देख देख बुद्धि देख देख, गिरता। तो इधर से हम लोग वेनु वन जो था वहाँ से हम लोग कुछ शॉर्ट्स बनाए, डांस वगैरह वीडियो भी किए। बेटा क्या हुआ, तुमको नहीं देख रहे थे, डांस वगैरह वीडियो भी देख रहे थे, सॉरी बनाए हम लोग। और बनाने के बाद अभी पूरा गर्मी हालत से ख़राब हो गया था, तो फिर हम लोग गाड़ी पे बैठे तो हवा खाने के बाद रिलैक्स मिला। बाप रे बाप बहुत ज़्यादा गर्मी, सही में बारिश के सोच के हम लोग निकले, लेकिन ना देखो इस टाइम आने की हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है ना, अच्छा लगता है, पानी छुप छपा कर भी चलेगा, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा गर्मी लगेगा तब तो होता दिक्कत ना। जब तक ये रहेगा ना साथ में, फील ही नहीं होने देगा कि मेरे साथ मतलब एक बच्चा है, इसमें देखो दो दो बच्चा लगता है, फिर ऐसे खाते ऐसे ऐसे चीज़ लेती है। हाँ भाई ये बोल रहा है कि मेरा नाम बदनाम करते मम्मी, हम अभी तक कुछ खाने का जिद नहीं किए हैं और अभी चॉकलेट खाएंगे खाएंगे वो खाएंगे, किधर गए
अभी टिकट लेने के लिए पता है ऑनलाइन नहीं होता है यहाँ, ऑफलाइन होती है, तो इसके कारण बाहर जाके गए और वहाँ पैसा लगा 1,050 रुपया। ऐसे तो 100 रुपया बोलते, 1,000 में 100 रुपया लगेगा, तो नहीं तो हम लोग करते हुए 40,000 में 40 रुपया लिया, तब जज 1,000 रुपया दिया वो बाहर दुकान में। अभी चलो चलते हैं किधर को, अभी रोक में चढ़ेंगे ऊपर, और गर्मी में सबका हाल तो खराब हो गया है, अरे इधर पंखा चल रहा है। रोप वे से चढ़ने वाले हैं, देख रहे हीरोइन मेरी पत्नी की लग रही है, तो बेटो तू भी चढ़ेगा, देखो ये वाला जो आ रहा है इस पे चढ़ेंगे और चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ेंगे हम लोग। ये देखो पूरा ऊंचा उठ गए हम लोग, अब पहुंचने वाला। अरे हमारा धर्म पत्नी जो हीरोइन जैसा दिख रहे ना, अरे बाप रे बाबा, आंस बेटा हीरो। चलो अभी उतरने वाले, हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं इधर से, और थोड़ा दूर चलना पड़ेगा बाबू, हालत तो खराब हो गया सब। आ चुका है पहले। ओ भुला गया था, फोटो भी क्लिक कर रखे थे। हाँ। फोटो भी खिंचवाइएगा, हम लोग आके खिंचवा के चले भी गए। भैया क्या करना है? ऊपर चढ़ के हालत तो पूरा खराब हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा पूरे रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट क्या करेंगे, पहुंच ही गए ऊपर। तो यहीं पे आने के लिए इतने कब से मशक्कत हो रही थी। क्या हुआ बेटा, घूमना है तुमको? घूमेगा पूरा, आप लोग सब बैठ गया, सब घूम रहा है। पानी देखने से ऐसे करता है, कुछ भी खाने के देखते पानी पिए। लो दे पानी, पानी लो मम्मी, पानी करके सब निकाल दे रहे, क्या पानी पिएगा। यहाँ पर जो हम लोग चाहे ना छोटी पे, यहाँ पर देखिए इस जगह में ना कॉइन चिपकता है, तो वे ट्राई कर रही अंजलि, ध्यान से चिपका कर देखे अपना कॉइन चिपका जाता। अच्छा अपना दीजिए ना, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं 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 चिपक रहा, दिक्कत नहीं है, पिछले चिपकाए थे ना, स्लिप हो जा रहा है। सही, वेट वेट ले, नहीं नहीं ये सब चिपका हुआ था, अभी देखो चिपक गया। हां चिपक गया भैया, वेट वाला ज्यादा मतलब वेट ज्यादा रहने से चिपक जाए ना। चिपका गया तो कौन फायदा हुआ, वो दूसरा का तो चिपका है ये है। अभी मैं कॉइन दे रहा हूँ उनको, ये चिपकाना जाता है इस बोर्ड स्तूप जो है ना यहाँ पर नीचे पे, तो बहुत लोग हमारे आंटी लोग जो आए हुए सभी लोग चिपका चिपका के देख रहे हैं। अंजलि भी लाइन पे लगी हुई है। बाप रे बाप, हम लोग कहाँ, इधर देखो उधर एक डैम सा दिख रहा है, कॉइन चिपकाए, एक 10 रुपीज के चिपकाए, चिपक गया देगा। खिलाओ खिलाओ ना, पास जाइए ना, फला रही फला रही। इधर घूमना हमारा हो गया, यहाँ आए थे और घूम फिर के अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि 5:05 बजे फिर बंद हो जाती है ना, तो नंबर लगाना पड़ेगा जाके जल्दी से, तभी तो नीचे उतरेंगे, नहीं तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, तेरा कहाँ हो रहा है बेटा, तेरा लारे टिपकता है बार बार। चलिए सब लोग आ रहे हैं, ये वाला क्या है, पहाड़ी क्या बोलते हैं उसको, प्याज वही है ना, पहाड़ी लहसुन, सॉरी पहाड़ी लहसुन। हो गया बाप रे बाप, जान पे जान आ गया, नहीं तो तब से हालत इतना खराब था ना। एनर्जी लेकिन आ गया, बोलिए एनर्जी ड्रिंक। तो चलो अभी हम लोग इधर से घर निकल गए, मतलब रूम अपना, आवाज आया तब जान पे जान आया। अरे चलो बेटा आराम से बैठ जाओ घर, मतलब अभी अपना जो होटल रुक गए वहीं पे पहुंचेंगे पहले। तो दोस्तों उधर से हम लोग आ गए और अभी अपना रूम में आराम कर रहे हैं, तो वो भी सो रही है, अंश बेटा सो गया, उसको सुला रहे हैं, मतलब सो गई नहीं है पूरा, अंश सुला रही है अंजलि थोड़ा थोड़ा करके, उसको पोटरा भी ठोक ठाक के सुला रहा है। तो दोस्तों आज का जो हालत ख़राब हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गया था, कारण यह था ऐसे ऐसे मतलब धूप में हम लोग घूम रहे थे, क्या बताएं, हम लोग को लग रहा है डिसीजन ख़राब था, लेकिन चलो ऐसी बहाने घूमना हो गया। अभी राजगीर हम लोग आए हैं, जो कि आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, राजगीर से पता चल ही रहा है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो ये राजगीर में ही है, जू सफारी करके वहीं पे, आप लोग भी ज़रूर आइए घूमने। और हमारे इंडिया का शायद ये पहला है, मैं पता नहीं यदि और कहीं होगा तो हमको तो पता नहीं, लेकिन हमारा इंडिया ऐसे हमको लग रहा है कि पहला ही होगा ग्लास ब्रिज, जो कि हमारे यहाँ पर है बिहार पे, जो हम लोग आए हैं वहाँ। और हमारे साथ और भी लोग भी हैं, वो लोग बीएमडब्ल्यू फगुनिया जी हैं और उनका हस्बैंड हो गया राजेश जी, और इधर से हो गया पूजा विशाल, हाँ पूजा विशाल है ना उनको, हाँ पूजा विशाल, तो वो लोग भी आए हुए थे, सब हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और
धूप में तो पूरा हालत पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। हम लोग इधर बौद्ध स्तूप वहाँ पर गए और उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे और एक जगह जो पहले से यहीं पे क्या छोटा सा पार्क है उसमें हम लोग जाके रील्स भी बनाए डांस का, या आप लोग देखे होंगे शॉर्ट्स पे तो बताइएगा आप लोग जरूर। तो बहुत ही अच्छा लगा था डांस वांस किए धूप में, मतलब इतना दे रहा था ना गर्मी कि और डांस कर ही नहीं पाए, वीडियो एक ही में तसमस हो गए। उसके बाद थोड़ा सा पानी आया मतलब गर्मी और उमस तो बढ़ा दिया। वहीं बीच में देखे कुछ वियतनाम से भी लोग आए थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो थे वो लोग आए हुए थे वियतनाम से। पहले तो हमको लगा चाइना से, फिर मैंने बोला कि इधर उधर बोलना सही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, देख लेते हैं। तो मैंने फिर गूगल पे सर्च किया उनका फ्लैग को, और वही एक स्टार होता है रेड कलर फ्लैग होता है और बीच में एक स्टार होता है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा वो वियतनाम से है, तो वियतनाम से आए हुए थे हमारे यहाँ इंडिया पे, इंडिया का ये बिहार पे इधर। तो यही था, और ये तो गढ़ जाना जाता है खास करके बिहार बौद्ध धर्म के लिए। यहीं से बहुत बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय भी रहा है इनका, जो कि अभी वो तो ख़त्म ही हो गया, जो धरोहर थी पहले का वो वाला ख़त्म हो गया, अभी दूसरा फिर से नालंदा बना है यूनिवर्सिटी करके। तो अभी तो यही है, हम लोग घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आप लोग कौन कौन बिहार से हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह से हमारे ब्लॉग को प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। आज चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट, उसको बहुत दिनों से वेट कर रहा है। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।